हेलो माय फ्रेंड्स, राजीव क्लासेस ट्री सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। और मैंने कंटिन्यूटी का इसके पीछे वाले वीडियो में बताया था आपको, और कंटिन्यूटी का टाइप नंबर वन मैंने क्वेश्चन बता दिया था। तो आइए अब नेक्स्ट टाइप चालू करते हैं और पढ़ते हैं देर नहीं करते हुए। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप उस वीडियो को जरूर वॉच किए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टाइप टू, देखिए टाइप टू क्या है। 13 का एक नंबर क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है। इसमें लिखा है कि सीध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं पर तत्समक फलन fx इक्वल टू x क्या है, बोलिए तो संतत फलन है। तो fx इक्वल टू x हमको सीध करना है कि संतत फलन है, एनी आर्बिट्री नंबर। कोई भी वास्तविक संख्या के लिए मतलब हम चेक कर सकते हैं। तो हमने सपोज किया कि x बराबर a के लिए हमने क्या करा, बोलिए तो सीध करना है हमको कि x बराबर a पर ये फलन क्या है, बोलिए तो संतत है। सिंपल तरीके से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिमिट बनाते समय क्या लिखते हैं, LHS लिमिट लिखते हैं, फिर RHS लिमिट लिखते हैं, फिर फंक्शन का वैल्यू दिए गए नंबर पे निकालते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आपको आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं LHS लिमिट, चाहे LHL भी खाली लिख सकते हैं। LHS लिमिट में क्या होता है, जब x का मान a से क्या हो, बोलिए तो छोटा हो, लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, जीरो नहीं मतलब a पे चेक कर रहे हैं तो a माइनस लिख देंगे, इंटू क्या लिख देंगे, बोलिए तो fx लिख देंगे। यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो लिख रहे हैं। स्टूडेंट ये बात याद रखिएगा, जब भी x टेंस टू जीरो लिखेंगे तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, a अगर LHS में होगा तो a माइनस एच हो जाएगा, अगर RHS होगा तो a प्लस एच हो जाएगा। तो LHS है तो क्या हो जाएगा, बोले तो a माइनस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, fx x के स्थान पे क्या लिए है, a माइनस एच। अब ध्यान से ये समझिएगा, a माइनस एच x बराबर a माइनस एच हुआ है, और जब h टेंस टू यहां पर क्या किया है, जीरो। जब h जीरो की तरफ जाएगा तो x किसके तरफ जाएगा, a की तरफ जाएगा। तो सिंपल हमारा बात सीध हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। फलन हमारा क्या है, फलन के अंदर जो रहेगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, जो फंक्शन के अंदर x है वही ज्यों की त्यों लिख देना है। तो लिख देंगे a माइनस, बोलिए तो h। स्टूडेंट एज का मान जीरो रखिएगा तो क्या होगा, ए इक्वेशन नंबर क्या हो गया, बोलिए तो ए। अच्छी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए RHS लिमिट, RHS लिमिट में x इज ग्रेटर देन क्या होगा, a। लिमिट x टेंस टू इसमें a प्लस होगा, इनटू में क्या होगा, बोलिए तो fx होगा। लिमिट h टेंस टू यहां पर क्या लिख देंगे, जीरो, ये RHS है। तो RHS में क्या होगा, बोलिए तो a प्लस h, क्योंकि a से बड़ा रहते हुए a की तरफ अग्रसर इसमें होता है आदमी, ठीक है, फंक्शन की तरफ। h टेंस टू जीरो, तो अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, fx जो होता है, जो उसके मतलब x अंदर जो इनपुट रख रहे हैं डायरेक्ट वही मिल जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट वही मिलेगा, a प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अगर h का मान जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, a इक्वेशन नंबर कितना हो गया, दो। तो अब देख रहे हैं कि दोनों का मान क्या आया, बोलिए तो बराबर आया। तो चलिए अब देखिए फंक्शन का मान fx इक्वल टू क्या है, बोलिए x, पुट करते हैं x इक्वल टू a। जैसे पुट करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बोले तो एफ ए आएगा, तो इक्वेशन नंबर तीन हो जाएगा। आप यहाँ पर स्टूडेंट खुद देखिए और बताइए, LHS लिमिट का मान कितना आया, a, RHS लिमिट का मान कितना आया, फिर फलन का मान कितना आ रहा है, बोलिए तो a आ रहा है। तो इसका मतलब है कि LHS, RHS और फलन का मान तीनों बराबर आ रहा है, इसलिए फलन क्या है, बोलिए तो संतत है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx बराबर fx, सबका मान कितना है, a है, इसलिए दिया गया फलन क्या है, बोलिए तो कंटिन्यूअस है, दिया गया फलन संतत है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, और सिंपल बात है, आना भी चाहिए समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कौन क्वेश्चन है, देखते हैं आज कहां तक क्वेश्चन कर पाते हैं हम लोग। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, टेरक बी, तरह के भी देखिएगा, tan x लिखा है, sec x लिखा है, cos x लिखा है, बोल रहा है सीध करने अपने प्रांत में संतत होते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन मैं यहां पे बता देता हूं, अगर कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो यहां से वो देख लेगा। fx इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए तो tan x। देखिए इसको बनाने के दो तरीके हैं, अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं तो मेथड नंबर वन आप ऐसे ही बना सकते हैं, fx इक्वल टू लिख सकते हैं, tan x इक्वल टू क्या होते हैं, बोले तो sin x और बटा में cos x। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने sin x को भी बहुत त्रिकोणमितीय फलन अपने अंतराल में क्या होते हैं, बोले तो संतत होते हैं। तो sin x ऑलरेडी संतत है, cos x ऑलरेडी क्या है, बोले तो संतत है। तो संतत फलनों का अनुपात भी क्या होगा, संतत होगा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज आप लिख दीजिए कि sin x एक संतत फलन है, cos x भी एक संतत फलन है, क्योंकि त्रिकोणीय
त्रिकोणमितीय फलन अपने अंतराल में संतत होते हैं, अपने डोमेन में संतत होते हैं, तो संतत फलनों का अनुपात भी क्या होगा, बोलिए तो संतत होगा। इसलिए टेन एक्स साइन एक्स और कोस एक्स का अनुपात है, इसलिए ये भी एक संतत फलन होगा। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो मैं बना के भी बताया था, एक और तरीका से आज बना के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए डोमेन में एक्स इक्वल टू कोई नंबर मान लेते हैं कि सी पर, हम चेक कर लेते हैं कि फलन संतत है कि नहीं। सेम टू सेम उसी तरह एलएचएस लिमिट, एलएचएस लिमिट एक्स का मान सी से जब क्या हो, सी के तुरंत छोटा हो, पहले हो, सी से पहले चेक करेंगे, सी के बाद में चेक करेंगे, सी पे चेक करेंगे, और तीनों पे बराबर आ गया तो फलन कंटिन्यूअस है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, चलिए यहां पर लिख देंगे एफ एक्स, फिर यहां पर लिमिट एच टेंस टू जीरो। अभी आप बोलिए तो एल एच एस है तो सी माइनस क्या हो जाएगा, बोलिए तो एच हो जाएगा, तो एफ यहां पर हो जाएगा सी माइनस एच। स्टूडेंट ये बात समझिएगा, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब फंक्शन को देखिए ध्यान से, फंक्शन में जो यहाँ पे लिख रहे हैं एक्स इनपुट रख रहे हैं तो टेन में चला जा रहा है इनपुट इसका, टेन एक्स, तो टेन क्या हो जाएगा बोलिए तो सी माइनस क्या होगा एच होगा, तो एच को यहाँ पे रख दीजिए तो क्या आ जाएगा बोलिए तो टेन सी माइनस जीरो बराबर टेन क्या हो जाएगा बोलिए तो सी। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा बोलिए वन। इसी तरह आर एच एस लिमिट में हो जाएगा एक्स का मान सी से क्या हो जब बड़ा हो, तो लिमिट एक्सटेंस टू सी प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू एच टेंस टू के बाद जीरो लिख देंगे, और आर एच एस लिमिट है तो सी एफ क्या हो जाएगा सी प्लस एच। आप ये बताइए लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एफ एक्स का मान क्या होगा, जो भी एक्स इनपुट में होता है टेन में चला जाता है, ठीक है। तो टेन एंड टू में इनपुट यहाँ पे लिख दीजिए सी प्लस क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, फिर एच का मान जीरो रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा टेन क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है दो, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए वेन एक्स इजकल टू सी पर डायरेक्ट फंक्शन का मान यहाँ पर लिखा हुआ है, एफ एक्स इजकल टू क्या लिखा है बोलिए तो टेन एक्स, 10x लिखा है, अगर पुट करेंगे c तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 10c। इक्वेशन नंबर कितना हो गया थर्ड हो गया। आप देखिए यहाँ पर भी 10c, यहाँ पर भी 10c और यहाँ पर भी क्या बोलिए तो 10c। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंस टू c माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू c प्लस एफ एक्स इजकल टू क्या बोलिए तो एफ सी। तीनों आपस में क्या है बोलिए तो बराबर है, इसलिए दिया गया फलन क्या होगा बोलिए तो संतत होगा x बराबर c पर। और त्रिकोणमितीय फलन अपने अंतरालों में हमेशा क्या होते हैं संतत होते हैं, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो इसके आधार पे आप sec x cos x स्टूडेंट बना लीजिएगा, सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए ध्यान से, 14 में लिखा है फलनों के संदर्भ पर विचार कीजिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है एक्स माइनस फाइव लिखा है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आप ऐसे बना सकते हैं कि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन अपने अंतराल में हमेशा संतत होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं थ्योरम बता चुका हूं, ठीक है। अगर बनाना चाहते हैं तो फिर उसी तरह बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एट सी पर चाहे एक्स बराबर ए पर हम चेक कर लेते हैं इसके प्रांत में, ठीक है। तो चलिए उसी तरह चेक करके बनाते हैं, उम्मीद करते हैं ये बन जाएगा आप लोगों से, फिर भी बना के दिखाया था। एल एच एस लिमिट x का मान लेस देन a, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, लिमिट x टेंस टू जीरो, अब की बार हो जाएगा a माइनस क्या बोलिए तो h, लिमिट x टेंस टू जीरो, a माइनस h रखना, तो जहां x है वहां a माइनस h, और फिर माइनस में कितना हो गया पांच, h का मान जीरो रखिएगा तो क्या आएगा बोलिए तो a माइनस फाइव। इक्वेशन नंबर क्या होगा बोलिए तो वन। RHS इतना ही आएगा, RHS लिमिट When x का मान a से क्या हो बड़ा हो, तो लिमिट x टेंस टू क्या होगा बोलिए तो a प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू जीरो, और आर एच एस में क्या होता है f, a प्लस क्या होता है बोलिए h होता है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो। फंक्शन में देखिए, फंक्शन में x लिखेंगे तो x माइनस पांच होगा, तो यहाँ पर a प्लस एच लिखे हैं तो क्या होगा a प्लस एच, और माइनस में कितना होगा फाइव होगा, तो h का मान जीरो रखेंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पर a माइनस फाइव इक्वल टू क्या होगा इक्वेशन नंबर दो। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आएगा। फ्रेन x इक्वल टू a, जब x इक्वल टू a पर हमने फंक्शन का मान कितना सपोज कराया बोले तो x माइनस कितना हो गया पांच, तो यहाँ पर a रखिएगा तो कितना होगा a माइनस पांच, इक्वेशन नंबर कितना हो गया थ्री। तो मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि दिया गया फलन एक बहुपद फलन है, बहुपद फलन अपने डोमेन में हमेशा संतत होता है, मैं ऑलरेडी थ्योरम भी बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पर बनाएंगे भी तो बराबर आ रहा है, देखिए a माइनस फाइव, a माइनस फाइव और a माइनस फाइव, तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू
लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इजकल टू बोलिए तो एफ है, सबका मान कितना आ रहा है बोलिए तो ए माइनस फाइव भी लिख सकते हैं चाहे नहीं भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है और आपको कभी अच्छा लगेगा। इस तरह कोई भी क्वेश्चन जो बहुपद पे दिया गया हो आप आसानी से कर सकते हैं और बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आपको आता है तो आप उसको बोल सकते हैं कि मैं बताऊंगा क्यों नहीं बना आपसे, ठीक है, उसको यहाँ पर सॉल्व करके बताऊंगा। एफ एक्स इक्वल टू क्या है बोलिए तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। सिद्ध करना है कि ये संतत्ति पर विचार करना है। स्टूडेंट देखिए अभी इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से बना सकते हैं। एफ एक्स क्या है बोलिए तो संतत है, कॉस एक्स भी क्या है बोलिए तो संतत है। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि एफ एक्स संतत हो और जी एक्स दो फलन संतत हो तो उनका गुणनफल भी क्या होगा बोलिए तो कंटिन्यूअस होगा। तो आप ऐसा लिख दीजिएगा दिए गए फलन में साइन एक्स और कॉस एक्स, दिए गए फलन एफ एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स का गुणनफल है। हम जानते हैं त्रिकोणमितीय फलन अपने डोमेन में संतत होते हैं, इसलिए साइन एक्स संतत फलन, कॉस एक्स संतत फलन, इसलिए इनका गुणा भी संतत होगा। इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इनटू कॉस एक्स दिस संतत होगा। आप आसानी से लिख सकते हैं। इस तरह भी आपको वही करना है, साइन एक्स खुद अपने डोमेन में संतत होता है, कॉस एक्स अपने डोमेन में खुद संतत होता है, तो दोनों संतत फलन है। संतत फलनों का जोड़ भी क्या होता है बोलिए तो संतत फलन होता है। केवल आपको लिख देना है, थ्योरेटिकली लिख दीजिएगा तो भी आ जाएगा। चाहे सी एक्स बराबर सपोज करके चाहे ए करके कोई भी आर्बिट्री नंबर के लिए बनाइएगा तो आराम से बन जाएगा, सिंपल है, ठीक है। बस आपको ये लिख देना है थ्योरेटिकली है, इसमें साइन एक्स संतत फलन, कॉस एक्स संतत फलन, इसलिए इनका गुणनफल भी संतत फलन होगा, इनका जोड़ भी संतत फलन होगा। कोई दिक्कत वाली बात हमको तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत वाली बात है आपको। अगर कोई भी दिक्कत वाली बात हो तो मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है दिखाया कि फलन संतत फलन है, एफ एक्स इक्वल टू, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा आपको समझ में आ जाएगा। सिद्ध करना है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन मोड एक्स एक्स संतत फलन है, ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान है। देखिए कैसे बनाया जाएगा इसको। सबसे पहले देखिए आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ाए थे आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर कोई नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं उसको। कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है एनी फंक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। इन फंक्शन टू फंक्शन आर कंबाइंड ईच अदर एंड गिव्स ए न्यू फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन। तो देखिए वास्तव में ये किन किन फंक्शनों का संयोजन है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का संयोजन है और जी एक्स इक्वल टू किसका संयोजन है बोलिए तो मॉड एक्स का संयोजन है, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि त्रिकोणमितीय फलन अपने अंतराल में क्या होती है बोलिए कंटिन्यूअस, मापांकीय फलन भी क्या होती है अपने अंतराल में बोलिए तो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन और मापांकीय फलन अपने अंतराल में हमेशा संतत होती है, इसलिए इनका संयोजन भी क्या होगा बोलिए तो संतत होगा, क्योंकि वास्तव में साइन मोड एक्स एफ और जी का संयोजन है। क्योंकि यदि एफ और जी का हमने संयोजन करा, एफ फॉग एक्स, आप पढ़े होंगे फॉग गॉव, तो चलिए फॉग निकालते हैं हम इसका, एफ हो गया, ऑपरेशन चालू करते हैं, जी एक्स यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एफ हो गया, जी एक्स का मान कितना दिया है बोले तो मॉड में एक्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये बात समझिए, जी मोड एक्स पर क्या ऑपरेट होगा, एफ ऑपरेट होगा, ठीक है। इसलिए एक्स पर जब एफ ऑपरेट होता है साइन हो जाता है एक्स, साइन एक्स हो जाता है, तो मोड एक्स पर जब साइन एफ एक्स ऑपरेट होगा तो साइन क्या हो जाएगा बोलिए तो मोड एक्स हो जाएगा, क्योंकि एफ में जो एक्स यहाँ पे होता है वो साइन के अंत में चला जाता है, साइन के अंत में बोल देंगे नहीं मैंने थीटा के एंगल के स्थान पर चला जाता है, तो ये भी साइन के एंगल के स्थान पर जाएगा, तो एफ मोड एक्स लिखा है तो साइन मोड एक्स हो जाएगा। तो देखिए आप ऑलरेडी समझिए क्या मूल फंक्शन नहीं दिया है, देखिए तो हम ये लिखेंगे दिया गया फलन साइन एक्स और मोड एक्स दोनों का क्या है बोलिए तो संयोजन है। हमको ऑलरेडी पता है कि साइन एक्स एक संतत फलन है, मोड एक्स भी एक संतत फलन है, तो संतत फलनों का संयोजन भी क्या होगा बोलिए तो संतत होगा। सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, तो दिया गया फलन क्या है बोलिए तो संतत है अपने डोमेन में। तो अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, इसमें और भी एक ले लेते हैं हम आपको और बताते हैं।
चलिए दो नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर fx इक्वल टू cos mod x। चलिए देखिए स्टूडेंट, आप खुद इसको ट्राई कीजिए और आसानी से बना सकते हैं कि दिया गया फलन किन दो फलनों का कॉम्बिनेशन है। अच्छी तरह से आप बता सकते हैं, देखिए gx इक्वल टू, सबसे पहले fx मानिए, fx इक्वल टू mod x और gx इक्वल टू cos x। आपको दो फंक्शन दिया है fx और क्या बोलिए तो gx। चलिए इनका कॉम्बिनेशन फाइंड कीजिए, फॉग फाइंड कीजिए। अगर आप फॉग फाइंड कीजिएगा तो देखिए फॉग कैसे होगा, एफ ऐसे होगा। अगर आप जानते हैं बना लो, सिंपल है, कोई ज्यादा एथिंग नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस नहीं है। जी एक्स का मान क्या है बोलिए तो cos x है, और cos x पे क्या ऑपरेट होगा, एफ ऑपरेट होगा। तो x पर अगर एफ ऑपरेट होता है तो मॉड हो जाता है, तो इस पर भी cos पर भी एफ जब ऑपरेट होगा तो मॉड में क्या हो जाएगा बोलिए तो cos x होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आपका आ गया। तो वास्तव में क्या है ये फॉग जो निकला हुआ है, यही फॉग तो क्या है, मॉड cos x है। तो ये मॉड cos x जो है cos x और मॉड x का संयोजन है। ऑलरेडी पता है कि मॉड x क्या होता है बोलिए तो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, और cos x भी अपने डोमेन में क्या होता है बोलिए तो कंटिन्यूअस होता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे मॉड cos x, मॉड x और cos x दोनों का संयोजन है। इस प्रकार संतत फलनों का संयोजन भी क्या होगा बोलिए तो संतत होगा। इसलिए दिया गया फलन fx, दिया गया फलन fx cos mod x भी कंटिन्यूअस होगा। तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसको आसानी से बनाना चाहिए, इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता है तो आप मेरे से कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूँ कि कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए ये अगर आपको बेनिफिशियल वीडियो लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।